ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार द्वारा सतर्कता अपनाने की अपील की जा रही है। वहीं स्कूलों में भी बड़ी लापरवाही सामने आई। हरियाणा में अब तक 21,816 अध्यापकों ने कोरोना वैक्सीन की एक भी डोज नहीं लगवाई, जबकि स्कूलों में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, जो बच्चों के लिए खतरनाक है। अब शिक्षा मंत्री ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन शिक्षकों ने कोरोना की एक भी डोज नहीं लगवाई, अब उनकी गैर हाजिरी लगाई जाएगी। स्कूलों में कोरोना की एंट्री होने के बाद कई बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं और उसके बावजूद भी शिक्षा विभाग इतनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। हरियाणा में 21,816 ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई। सबको निर्देश दिया कि एक जनवरी के बाद उनकी एंट्री नहीं हुई और अगर वो नहीं लगवाते तो उनकी गैर हाजिरी लगेगी। उनको तुरंत इस पे जहां भी उपलब्ध है तो वहां से लगवा के सूचना देनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये लगभग तो वैसे में ये एक अच्छा वो है कि वो उतना नहीं करता, लेकिन वो फैलता बहुत ज्यादा है इस स्पीड से। तो हमने जो नियम पहले से कोरोना के लिए निश्चित किए तो उनको हम फॉलो कर रहे हैं, अपने स्कूल में उसी को फॉलो कर रहे हैं, समाज से मैं निवेदन करूँगा उसी को फॉलो करें, हम फॉलो करेंगे तो क्योंकि बचाव में ही बचाव है। और अभी तक जो केस है वो बहुत कम है, ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप उसको नियमों को ही ना मान लो, नियमों को मान लो। अगर हम सब नियमों का पालन करते मैं समझता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, सारी स्थिति ठीक रहेगी। जैसे पिछली बार भी काफ़ी इस प्रकार की थी कि कोरोना का जिस प्रकार से एक डर उसके बाद दिखाया गया, तो मैं समझता हूँ लोगों के जागरूकता से उससे हम बच गए। तो मुझे उम्मीद है कि इससे भी हम बच जाए। कुछ घटनाएं हैं, बहुत थोड़ी घटनाएं हैं जहाँ इस प्रकार के पेशेंट मिले। सर